हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यासपीठ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिंज बेनिफिट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट कैसे की जाती है, और लास्ट लेक्चर में था वैल्यूएशन फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। आज हम स्टार्ट करेंगे कि फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं। परक्यूजिट्स के अलावा भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज देता है, जैसे कि फ्री यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, लोन की फैसिलिटी। तो दे ऑल कम्स इन फ्रिंज बेनिफिट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूड्स, फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या क्या आता है? फ्रिंज बेनिफिट्स में इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन, जैसे कोई लोन दिया है अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए तो इंटरेस्ट फ्री। दूसरा, लीव ट्रेवल कंसेशन। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या उसके मेंबर, हाउस होल्ड मेंबर को जब लीव ट्रेवल कंसेशन देता है, मतलब जब लीव पर ट्रेवल के लिए खुद से एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस करता है, तो उसे लीव ट्रेवल कंसेशन कहा जाता है। देन फूड, फूड की फैसिलिटी देता है, गिफ्ट की फैसिलिटी देता है, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, मूवेबल एसेट्स देता है, और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। तो ये वो सारी एसेट्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाता है। अब इनकी भी वैल्यू हमें करनी होगी, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यूज फिक्स है कि कितनी वैल्यू जो है वो टैक्सेबल होगी और कितनी वैल्यू जो है उसकी एग्जेम्प्टेड मानी जाएगी। जैसा परक्यूजिट में वैल्यू हम करते थे, मोटर कार की फैसिलिटी, हाउस की फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, इन सब की वैल्यू जैसे हम करते थे, सेम यहां पर भी हमें क्या करना है, इन फ्रिंज बेनिफिट्स की वैल्यू करनी है। तो सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि उसका पर्पस क्या है लोन लेने का। तो लोन देने का पर्पस क्या है? तो अगर लोन का अमाउंट 20,000 से कम है, लेस देन 20,000 है, तो इट्स वैल्यू शुड बी निल। उसकी वैल्यू क्या होगी? निल, मतलब कि वो एग्जेम्प्टेड होगा। जो भी एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है, अगर वो लोन का अमाउंट 20,000 से कम है, देन इट विल बी एग्जेम्प्टेड। इफ लोन इज गिवन फॉर द डिजीज स्पेसिफाइड इन रूल 3A, अगर कोई डिजीज के लिए लोन दिया गया है और वो डिजीज ऐसी है जो कि स्पेसिफाइड है, जैसे कैंसर है, एड्स है, टीबी है, इन सब के लिए, तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी? देन इट्स वैल्यू इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। और अदर पर्पज है अगर लोन इन दोनों के अलावा 20,000 से ज्यादा है और डिजीज के लिए नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज एज पर SBI रेट। जो SBI की रेट होगी वो माइनस अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब कि अगर एम्प्लॉयर भी कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है तो वो अमाउंट हम उसको माइनस कर देंगे। लेट्स सी एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये है कि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है। सबसे पहला है 15,000 का लोन दिया, दूसरा है कि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 2,00,000 रुपए का लोन दिया, और एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को 1,50,000 का दिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, और यहां दिया था ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए। तो अब देखते हैं फर्स्ट केस में क्या होगा। फर्स्ट केस में क्योंकि इस लोन का अमाउंट जो है वो कितना है, 15,000, तो 15,000 तक तो क्या होता है, और 20,000 तक तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए इसकी फैसिलिटी जो होगी वो निल होगी। किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज, सॉरी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। सेकंड, इन केस सेकंड, द लोन इज गिवन फॉर द डिजीज, देयरफॉर ये भी क्या होगा, निल, कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी और कोई इनकम में इसके फैसिलिटी एड नहीं की जाएगी। थर्ड, अब ये है जो 1,50,000 का उसने लोन दिया था और एम्प्लॉयर 6% चार्ज कर लेता है और द इंटरेस्ट रेट ऑफ SBI इज 10%, तो वो दोनों ही फैसिलिटी नहीं है, ना तो 20,000 से कम है और ना ही किसी डिजीज के लिए स्पेसिफाइड इन रूल, तो ये टैक्सेबल होगा। कैसे टैक्सेबल होगा?
1,50,000 का 10%। क्या समझाया? जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लोन देता है तो एसबीआई की रेट के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है। तो एसबीआई की रेट कितनी है? 10%। तो कितना आया? 15,000। लेस अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से जितना वो अमाउंट रिकवर कर लेगा वो अमाउंट से कितना करेगा? 6%, 9,000। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6%। इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एसबीआई रेट 10%, एम्प्लॉयर चार्जेस 6%, देयरफॉर वैल्यू इज 4%। तो 1,50,000 का 4%, दैट इज 6,000। एक चीज ध्यान रखनी है, डेट ऑफ लोन सबसे इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्ट की वैल्यू उतने ही टाइम पीरियड के लिए होगा जितना लोन दिया गया है। यहां मान लेते हैं ये पूरे साल के लिए था। अगर सपोज करते हैं कि 1 अक्टूबर को लोन दिया गया तो क्या होगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार क्वेश्चन में वो डेट दे देता है उसके लिए। नाउ नेक्स्ट इज लीव ट्रेवल कंसेशन। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या उसके मेंबर को, हाउस होल्ड मेंबर को ये फैसिलिटी देता है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयर पे करेगा वो उसकी वैल्यू होगी। फूड 50 रुपीज पर मील पर डे तक क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। रुपीज 50 पर डे पर मील विल बी एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट इज गिफ्ट। अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दो तरीके से दे सकता है। वो दो तरीके क्या होंगे? एक तो वो ओकेजन पे दे सकता है, एक तो सेरेमोनियल ओकेजन, शादी है, एंगेजमेंट है ना, रिटायरमेंट है, तो ये सेरेमोनियल ओकेजन्स जो होते हैं। और दूसरा फेस्टिवल पे, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, इन पर भी वो क्या कर सकता है? अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है। तो अगर सेरेमोनियल ओकेजन पे दिया है तो वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, जैसे वॉच दी, अगर वॉच की वैल्यू क्या है वो टैक्सेबल होगा। एसी दिया है तो उसकी क्या वैल्यू होगी? रेफ्रिजरेटर दे दिया है तो उसकी क्या वैल्यू होगी? टीवी दी है तो उसकी क्या वैल्यू होगी? मोबाइल दिया है तो उसकी क्या वैल्यू होगी? तो जो भी उस गिफ्ट की वैल्यू होगी वही अमाउंट उसकी फैसिलिटी के तौर पर काउंट किया जाएगा। और ऑन फेस्टिवल 5,000 रुपए तक का गिफ्ट जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर 5,000 से ज्यादा है तो देन इट विल बी टैक्सेबल। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स मतलब ऐसी बहुत सारी एसेट्स होती हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, जैसे लैपटॉप और कंप्यूटर है। तो अगर वो यूज करने के लिए दिया है लैपटॉप और कंप्यूटर तो उसकी वैल्यू क्या होगी? निल होगी। अदर है, जैसे रेफ्रिजरेटर दे दिया, बेड दे दिया, फर्नीचर दे दिया, एसी दे दिया, रेफ्रिजरेटर दे दिया, ऐसी कोई भी मूवेबल एसेट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो उसकी वैल्यू होगी 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जैसे वो कहता है 1,00,000 रुपए का फर्नीचर दिया साहब, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 10%, मतलब 10,000 उसकी वैल्यू काउंट की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ये एसेट उसने रेंट पे लिया है किसी से, तो अगर रेंट पे लिया है तो उसकी वैल्यू होगी रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, जितना भी रेंट एम्प्लॉयर पे करेगा वो उसकी वैल्यू में काउंट किया जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी एसेट्स को एम्प्लॉयर को खरीदे हुए यूज करते हुए 10 साल हो गए हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या काउंट की जाएगी? निल काउंट की जाएगी। इफ एनी एसेट्स इज यूज्ड फॉर मोर देन 10 इयर्स, अगर 10 साल से ज्यादा यूज की है तो उसकी वैल्यू निल मानी जाएगी। नेक्स्ट फैसिलिटी इज ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। एक था यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स और एक है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में तो क्या होगा, वो यूज करके वापस दे देगा, बट ट्रांसफर का मतलब हो गया सेल। ट्रांसफर का मतलब क्या है? सेल कर रहा है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, है ना, तो उसकी फैसिलिटी क्या होगी? सिंपल सी चीज है, जो उस एम्प्लॉय को फायदा होगा वो उसकी वैल्यू होगी। अब वो फायदे के लिए कैसे कैलकुलेशन होगी वो देखते हैं। अगर कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सेल कर देता है तो उसकी वैल्यू कैसे काउंट की जाएगी? ओरिजिनल कॉस्ट जितनी है उसकी, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50% ऑन WDV, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
रिटर्न डाउन का मतलब जितनी वैल्यू कम होती जाती है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फिक्स रेट से नहीं चार्ज करना है। और लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, सपोज ये मान लेते हैं कि 2020 में 19 में एक एम्प्लॉयर ने एक कंप्यूटर सेल किया, कितने रुपए में सेल किया, 25,000 रुपए में एक एम्प्लॉयर को। वो कंप्यूटर इसने 2017 में खरीदा था, 18 में खरीदा था 1 लाख रुपए में, तो जैसे ही आएगा ओरिजिनल कॉस्ट उसकी कितनी आ गई 2018 में 25,000 सॉरी 1 लाख। 50% WDV फिक्स है तो 50,000 का क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो वैल्यू कितनी बच गई 50,000, ये वैल्यू बच गई 2019 में। अब 25,000 में बेचा है तो लेस 25,000 अमाउंट कितना रिकवर किया 25,000, तो रिमेनिंग जो 25,000 है वो उसकी वैल्यू होगी फैसिलिटी की। मान लो एक साल और बढ़ा देते, 2017 में खरीदा था तो 2017 में खरीदा था 1 लाख, 50% डेप्रिसिएशन लगाना है, 50% डेप्रिसिएशन मतलब 50,000, तो अब वैल्यू कितनी हो गई उसकी 50,000 2018 में, फिर 50% डेप्रिसिएशन, अब ये 50% 50,000 पे लगेगा ना कि 1 लाख पे। रिटर्न डाउन का मतलब क्या होता है, पहले 1 लाख पे लगा अब 50,000 पे लगेगा 25,000, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 25,000। तो ऐसे रिटर्न डाउन पे लगाना है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो 50% WDV से उसपे ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इज मोटर कार। मोटर कार पे 20% ऑन WDV, वही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक होता है फिक्स, मतलब फिक्स लगेगा, और एक जितनी वैल्यू उसकी कम होती जाए उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहे। देन अदर एसेट्स, तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा, वही यहां उसकी कॉस्ट लिखेंगे, सपोज 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है मोटर कार की, 20% डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000, तो रिमेनिंग बचे 80,000, और अमाउंट जो रिकवर कर लिया सपोज 50,000 में बेच दिया, तो 50,000 में बेच दिया तो 30,000 उसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी आ जाएगी, और 2 साल होगा तो फिर 80,000 में डेप्रिसिएशन लगेगा। यहां अगर वैल्यू 1 लाख है तो हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, 10,000 फिर 10,000, वो अकॉर्डिंग टू ईयर काउंट करेंगे कब खरीदा है और कब सेल कर रहा है, खरीदने और सेल करने के बीच के टाइम पीरियड का जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो हम चार्ज करेंगे। थैंक यू। ये था फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या क्या थे, एक तो था इंटरेस्ट फ्री लोन, देन फूड, देन गिफ्ट, मूवेबल एसेट्स, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। नेक्स्ट क्लास में और भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड, वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच।